एनएन क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। उस बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए बिजनौर के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने बताया कि चेकिंग के दौरान उस बदमाश को रोके जाने पर उसने पुलिस टीम पर अचानक गोली चला दी थी। अलर्ट पुलिस टीम ने समय गवाए बिना एक्शन लिया और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करके बदमाश को घायल करके दबोच लिया। आप देख सकते हैं कि मुठभेड़ के बाद मौके पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। बदमाश जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था, पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। घायल बदमाश को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से बदमाश के द्वारा चलाए गए तमंचे और गोली भी बरामद की है। उसके बारे में विस्तृत छानबीन की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है बिजनौर के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी का। पुलिस द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए फायर किया और एक कच्चे रास्ते की तरफ भागा। पुलिस ने इसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन ये लगातार जान से मारने के लिए से पुलिस पर फायर करता रहा। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की, उसमें जो पास में गोली लगी है उसको हेतु भेजा गया है। पूछताछ से पता चला है कि इसका नाम हाफिज है और ये मेरठ का रहने वाला है, जो अभी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी सुशील की, उसमें इसी के द्वारा गोली चलाई गई थी। इससे मृत हो गई और ये शातिर किस्म का अपराधी है। इन लोगों ने यहाँ पे ही बिजनौर में ही दो और लोगों की हत्या करने का पक्का ले रखा था और पुलिस की इस तत्परतापूर्ण कार्रवाई करने से दो लोगों की जान। इसमें कोई